आज हम गूगल असिस्टेंट के बारे में जानेंगे। गूगल असिस्टेंट एक वॉइस सर्च है जो कि हिंदी वॉइस सर्च सपोर्ट करता है टीवी में। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, रिमोट के अंदर एक माइक का बटन है जिसको हम प्रेस करके रखते हैं और वॉइस सर्च का यूज करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। एक मूवी का नाम मैं लेने वाला हूँ इस बटन को प्रेस करके, और देखते हैं क्या वो मूवी टीवी पर सर्च होती है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सी आप यहां देख पा रहे हैं हमने किसी और मूवी का नाम लिया, लेकिन यहां पर सर्च कुछ और हुआ। सो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास गूगल असिस्टेंट दिया गया है। रिमोट में हम ध्यान से देखेंगे, गूगल असिस्टेंट का बटन दिया गया है, बट इसको हमें एक्टिवेट करना होता है, कॉन्फ़िगर करना होता है। इस बटन को हम टीवी के सामने इस बटन को हम प्रेस करके रखेंगे। अराउंड 5 to 7 सेकेंड्स के बाद गूगल असिस्टेंट का एक स्क्रीन ओपन होगा। यहां आप देख रहे हैं आई अंडरस्टैंड का ऑप्शन आ रहा है, आई अंडरस्टैंड पर हम क्लिक करेंगे। अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, अलाउ पर हम क्लिक करेंगे। अब टीवी स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड ओपन होगा। मोबाइल को सेम वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद मोबाइल से हमें ये क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूं। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड जनरेट हो गया है। ये क्यूआर कोड हम मोबाइल से स्कैन करेंगे। मोबाइल पर क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सो क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद हमने देखा यू आर साइंड इन टीवी पर भी आ गया और मोबाइल पर भी लिखा हुआ आ गया। गूगल असिस्टेंट हमारा टीवी पर एक्टिवेट हो गया है। सो अब हम देख लेते हैं गूगल असिस्टेंट को यूज करके सेम मूवी का नाम हम कैसे सर्च करेंगे। अब मुझे वॉइस सर्च के लिए इस माइक बटन को प्रेस नहीं करना, गूगल असिस्टेंट बटन को प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है। होल्ड करके रखूंगा तो टीवी में लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ कलरफुल डॉट्स आएंगे और तब मुझे मूवी का नाम लेना है, उसके बाद मुझे बटन को छोड़ देना है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सी आप देख पाएंगे यहां पर मैंने जो मूवी का नाम सर्च किया उससे रिलेटेड कंटेंट भी आ गया और मूवी का नाम भी लिखा हुआ हमें दिखा था।